गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एल्गी और ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं। ब्रायोफाइटा हम लोग लिवर वर्ट पढ़ चुके थे और जो मोसेस बचा हुआ था उसी को आज डिस्कस करेंगे। तो मोसेस जो होता है, मोसेस का जो डोमिनेंट फेज होता है वह गेमेटोफाइट होता है और साथ ही हैप्लॉयड होता है। गेमेटोफाइट का कहने का मतलब वह गेमेट प्रोड्यूस करेगा। मोसेस का जो स्टेज होता है, मोसेस में दो स्टेज पाया जाता है। कितने स्टेज? दो। पहला जो होता है वो प्रोटोनिमा स्टेज होता है और दूसरा लीफी स्टेज होता है। प्रोटोनिमा जो स्टेज होता है उसका जो जर्म मतलब प्रोड्यूस होता है या जर्म होता है वह स्पोर से होता है। किससे होता है? स्पोर से। जैसे कि प्लांट का स्पोर वह जमीन में गिरा और फिर वह जर्मिनेट किया तो जो स्टेज आया उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनिमा स्टेज। और जो प्रोटोनिमा स्टेज से जो स्टेज डेवलप करेगा उसको बोलेंगे हम लोग लीफी स्टेज। इसको हम लोग आगे समझते हैं लीफी स्टेज को। पहले हम प्रोटोनिमा स्टेज को देखते हैं। प्रोटोनिमा जो होता है वह क्रीपिंग करता है, रेंगता है, ग्रीन रहता है मतलब हरा भरा, ब्रांच होता है और फिलामेंटल स्टेज होता है। देखिए डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कि यह स्पोर वह जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद यह क्रीपिंग किया। क्रीपिंग का मतलब होता है कि रेंगना और पूरा एकदम फैल जाना धीरे धीरे रेंगते रहेंगे, ठीक है। और फैलने के बाद यह जो होता है वह फिलामेंटस होता है और साथ में ही यह ब्रांच भी होता है। क्या होता है? ब्रांच भी होता है। ठीक है, तो जो प्रोटोनिमा स्टेज होता है वह क्रीपिंग करता है, धीरे धीरे रेंगता है और पूरे तरफ पूरे चारों तरफ एकदम जाल की तरह एक मेट की तरह चादर की तरह फैल जाता है पूरा। यह हो गया क्रीपिंग। साथ में ग्रीन रहता है, ब्रांच। देखिए ये जो होता है वह ब्रांच, इस तरह वह ब्रांचिंग रहता है और फिलामेंटस स्टेज मतलब फिलामेंट की तरह होता है, ठीक है। लीफी स्टेज में हम लोग देखेंगे कि जो ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है इसी से एक बर्ड का निर्माण होगा। क्या होगा? एक बर्ड का निर्माण होगा, ठीक है। यह जो बर्ड होता है वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और अपराइट ऊपर की तरफ और सिलेंडर एक्सिस, सिलेंडर मतलब होता है बेलन के आकार का सिलेंडर एक्सिस बनता है। इसमें जो लीफ जो प्रेजेंट होता है वह स्पाइरली प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक यहाँ लीफ है तो एक यहाँ रहेगा, फिर एक यहाँ रहेगा, फिर एक उधर रहेगा, फिर एक इधर। कहने का मतलब है कि एक अगर यह सिलेंडर एक्सिस है तो इसमें जो लीफ प्रेजेंट रहेगा एक यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा और फिर यहाँ रहेगा। मतलब यह स्पाइरली प्रेजेंट रहता है। कितना रहता है? स्पाइरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया लीफी स्टेज का पाला कि जो प्रोटोनिमा स्टेज है उसी में बर्ड का निर्माण होगा। बर्ड का निर्माण धीरे धीरे ग्रोथ करता है, फिर एक सिलेंडर एक्सिस का निर्माण करता है, ग्रोथ रूप लेता है और उसमें जो लीफ होता है वह लीफ स्पाइरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक यहाँ इस तरह का वह स्पाइरली प्रेजेंट रहता है। दूसरा जो नीचे की तरफ जो ग्रोथ करता है वह क्या होता है? वह राजवाड़ होता है। क्या होता है? वह राजवाड़। और यह जो राजवाड़ होता है वह ब्रांच होता है। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वह राजवाड़ ब्रांच नहीं था और साथ में यह मल्टी सेलुलर भी है। क्या है? मल्टी सेलुलर। देखिए मल्टी सेलुलर और ब्रांच, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये तो देखें, उसके बाद जो रिप्रोडक्शन है वह कैसे करता है, मोसिस में रिप्रोडक्शन जो हुआ कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन करने का मतलब है कि सिंपली यहाँ का प्लांट पार्ट जो हुआ कट हुआ, अलग हुआ और यहाँ से अलग होकर फिर हुआ पूरा नए प्लांट का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और बाय बडी इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो वही जो हुआ बाय बडी, यहाँ पर पहले बर्ड हुआ, ठीक है, इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। यह जो यहाँ पर बर्ड हुआ और यही बर्ड से फिर जो ग्रोथ किया उसको इस तरह के ग्रोथ को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कि जो की यूनिट है वह गेमेट है। एक मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, दोनों गेमेट का जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जागोट बनता है और फिर यह जो जागोट होता है वह प्लांट की केसेस में, मोसेस के केसेस में वह पहले अपने आप को डेवलप करता है, स्पोरोफाइट बनता है और फिर स्पोरोफाइट से फिर स्पोर वहां से रिलीज होता है। इसमें जो मेल गेमेट है, मेल गेमेट जो होता है वह एंथ्रिडिया एंथ्रोजोआइट से एंथ्रिडिया से रिलीज होता है और फीमेल गेमेट जो होता है वह आर्चिगोनिया से रिलीज होता है।
ठीक है, मेल गैमेट एंथ्रोज्वाइड है और फीमेल गैमेट जो होता है वह ईग है, ठीक है। तो हम लोग मोसेस में क्या देखें कि डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होता है, इसका मतलब गैमेटोफाइट है, इसका मतलब वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर वह स्पोरोफाइट रहता है, आगे वाले हम लोग टेरिडोफाइट में देखेंगे कि वह स्पोरोफाइट है, इसका मतलब जो गैमेटोफाइट है यह डोमिनेंट फेज है, और जो स्पोरोफाइट फेज इसके लाइफ में जो छुपा हुआ है वह उसके उस पर पैरासाइटिक फेज है। क्या कौन सा फेज है? पैरासाइटिक फेज, मतलब जो स्पोरोफाइटिक फेज जो उसके लाइफ में छिपा हुआ है वह इस पर डिपेंडेंट है गैमेटोफाइटिक फेज में। दूसरा जो होता है मोसेस में दो स्टेज होता है, एक प्रोटोनिमा स्टेज और एक लिफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो होता है वह उसका डेवलपमेंट स्पोर से होता है, और लिफी स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है वह लेटरल बर्ड से, मतलब सिंपली बर्ड का निर्माण होता है, वह बर्ड ग्रोथ करता है और फिर एक प्लांट का एक स्टेज का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिफी स्टेज। प्रोटोनिमा में प्रोटोनिमा जो होता है क्रीपिंग करता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है, देखिए क्रीपिंग कर रहा है, ब्रांच है, फिलामेंट के रूप में है, और यही प्रोटोनिमा से फिर बर्ड का निर्माण हुआ, लिफी स्टेज का निर्माण हुआ, और नीचे की तरफ जो राजवाड़ ग्रोथ किया हुआ, राजवाड़ अटैचमेंट में मदद करता है, यह ब्रांच है, और मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह फ्रेगमेंटेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह गैमेट के फ्यूजन से होता है, और साथ ही साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बडिंग से भी होता है, ठीक है। इस तरह हम लोग देखें कि मोसेस में किस तरह होता है रिप्रोडक्शन, या और मोसेस का जो प्लांट है वह किस प्रकार है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइट के बारे में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।